खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 के कॉन्टेस्टेंट शिजान खान की बहन फलक नाज अब बहुत जल्द बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में आएंगी नजर। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। सलमान खान ने करण जौहर को रिप्लेस करते हुए बिग बॉस ओटीटी का जिम्मा संभाल लिया है। वह इसके दूसरे सीजन को होस्ट करते दिखाई देंगे। 17 जून से जियो सिनेमा पर शुरू होने जा रहे हैं कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो में कई नामी सेलिब्रिटी आएंगे। कुछ के नाम तो पहले से भी सामने आ चुके हैं और अब कुछ के धीरे धीरे आ रहे हैं। इसमें शिजान खान की बहन फलक नाज के भी आने की चर्चा है। वह बतौर एक्ट्रेस इंडस्ट्री में पिछले 10 साल से एक्टिव हैं। उन्होंने ससुराल सिमर का देवों को देव महादेव, महाकाली अंत की आरंभ है और विश या अमृत सितारा जैसे शोज में काम किए हैं। वेल, अब बात करें तो जहां शिजान खान इन दिनों साउथ अफ्रीका के केप टाउन में खतरों के खिलाड़ी 13 की शूटिंग कर रहे हैं, तो आए दिन खतरा मोल ही ले रहे हैं। वहां से सोशल मीडिया पर अपने फोटोज और वीडियोस पोस्ट कर उनके को कंटेस्टेंट्स भी उन पर खूब प्यार बरसा रहे हैं। उन्हें आखिरी बार अली बाबा दास्तान काबुल में देखा गया था, लेकिन तुनिशा शर्मा मौत मामले में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और करीब 70 दिन बाद वो जेल से जमानत पर बाहर आए थे। शिजान खान को तो आपको बता दूं कि काम मिला ही, लेकिन उनकी बहन फलक नाज को भी बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में जाने का मौका मिल गया है। एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक अब शिजान की बहन भी रियलिटी शो में डेब्यू करने जा रही है। हालांकि वह पहले टीवी शोज कर चुकी है, लेकिन रियलिटी शो ये उनका पहला है। वह मेरठ की रहने वाली है और माँ कहनशा और भाई शिजान बहन शफक के साथ मुंबई आ गई थी। फलक नाज ने अपने करियर की शुरुआत तारक मेहता के उल्टा चश्मा से की थी, लेकिन लोगों की नज़रों में ये ससुराल सिमर का से आई है। टीवी में कई सपोर्टिंग कैरेक्टर्स प्ले किए हैं और अब वह खबरों में तब आई जब उनके भाई को जेल हुई। उनके को एक्ट्रेस तुनिशा के मौत के इल्ज़ाम में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। फलक ने डट कर मुसीबत का सामना किया और अपने परिवार की हिम्मत बनी। तो इस तरीके से अब खबरें आ रही हैं कि फलक नाज आने वाली हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में नजर। तो आप इस खबर को सुनकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।